नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए। अपने मार्क्स आप लोग कैसे चेक करें और आप लोग अपने रॉ मार्क्स के अलावा अपने नॉर्मलाइज स्कोर को भी देख सकते हैं। आप देख लीजिएगा कितना कितना नंबर बढ़ा है। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था तो यहाँ पर मैंने उसके नंबर चेक किए तो उसका नंबर बढ़ा है। आप लोग भी देखना आपके नंबर कम हुए हैं कि बढ़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारा डेटा जो है आ चुका है, कैसे चेक करना है पूरा तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कल मैंने आपको बताया था रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ देखकर आपको मजा आ ही गया होगा दोस्तों, कट ऑफ कितनी हाई गई है। बाकी जो कुछ राज्य हैं वहां की कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है। तो देखिए, सीएपीएफ सिपाही भर्ती में 3,51,176 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। तो करीब 3.5 लाख बच्चे आप लोगों के फिजिकल की परीक्षा के लिए चयनित किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सिपाही भर्ती 2024 की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा से देशभर में करीब करीब 3,51,176 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और सफल अभ्यर्थियों का अब शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण होगा। उसमें सफल होने के बाद मेडिकल और मेरिट के आधार पर करीब 46,617 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से चयन होगा। एसएससी ने सिपाही भर्ती का विज्ञापन 24 नवंबर को जारी किया था और इसकी आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2023 तक चली थी। और इस भर्ती के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ में चयन होगा। उस समय पदों की संख्या सिर्फ 26,146 घोषित की गई थी और रिक्त पदों के सापेक्ष देश भर से करीब करीब 46,43,646 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उसमें से यूपी और बिहार के ही मान लीजिए 15,20,290 अभ्यर्थी थे। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कीजिए। इसके लिए आपको अपना एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सबमिट करोगे इस तरीके से मैंने चेक किया यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको डायरेक्ट काम की बात दिखाता हूँ। देखिए, इनके पार्ट नंबर ए में 33.3 नंबर है, मतलब समझ रहे, रीजनिंग में 40 में से 33.5 नंबर आए हैं। इनके जीके में 40 में से सिर्फ 13.25 नंबर है। बाकी इंग्लिश का मतलब नहीं है इसमें। हिंदी की अगर हम बात करेंगे, 40 में इनके 33.25 नंबर हैं। कुल मिलाकर इनके नंबर बने हैं 109 और इनको कितना बोनस मिला है तो 109 नंबर मिले हैं और नॉर्मलाइज में इनके 10 नंबर बढ़े हैं, 10+ इनके नंबर बढ़कर हो गए हैं 119.40864। आप देख सकते हैं, ऐसे आपको भी चेक करना है तो 109 से नंबर बढ़कर हो गए हैं 119.40864। तो नॉर्मलाइज में इनके 10 नंबर बढ़े हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइज में इनके कितने नंबर बढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर बढ़े हैं। इसको चेक करना अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर चाहते हो तो आपको क्या तरीका अपनाना होगा वो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। आप गूगल पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे ssc.nic.in, आप सर्च करेंगे, आपको एसएससी की पुरानी वेबसाइट मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। आप लोग यहां पर सर्च करेंगे ssc.nic.in, ठीक है ना। आप लोग जैसे इस तरीके से आप लोग सर्च करेंगे यहां पर, आपके सामने एसएससी की पुरानी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको क्या करना है, साइड में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, उसमें आएगा रजिस्ट्रेशन, जो आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन था, और आपका पासवर्ड। आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपना एग्जाम जीडी सेलेक्ट करके, ये वाला जब आप अंदर आएंगे ना, तो वहां पर आपको उसके बाद यहाँ पर अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है जीडी, और उसके बाद वो आपका नंबर और स्कोर आपको दिखा पाएगा। इस समय साइट बिजी हो गई, अभी सुबह मैंने देखा था तो सुबह आपकी वेबसाइट चल रही थी, हो सकता हो अभी वेबसाइट चल जाए और आप लोग आराम से, चिंता ना करिएगा,
चेक करके मुझे बताइए कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, नंबर आपके बढ़े हैं कि कम हो रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए, जय बीएसए क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।